चंगा बीज बीजन वाले ने अपने खेत में चंगा बीज बीजे उन्हें अपने खेत में माड़ा बीज नहीं बीजिया। आमीन। उन्हें चंगी शिक्षा शुरू की थी, उन्हें पेंतेकोस्ते दिन चंगा बपतिस्मा शुरू किया, उन्हें चंगा योसी वचन शुरू किया। लेकिन बाइबल दासी उसे ही खेत दे विच आमीन। कहना नहीं क्या बाइबल के बरानिया छे भी इसे गल दसदा है कि मती 13 और मती 24 की 24 भी इसे कह रहा है। आमीन। बाइबल इन भरी पड़िया। आमीन। हुण बीज की है? सिखिया सीड डॉक्टर हुंदा है। आमीन। चंगा बीज बीजन वाला चंगी सिखिया। लेकिन वचन दसदा कि जदों उहने चंगा बीज अपने खेत दे विच बीजिया। आमीन। लेकिन उसे खेत बुरा बीज बीज बुरे ने या दूजे लफ्ज शैतान ने बुरा बीज बीजिया। हम बड़े ध्यान दे नाल सुनो, ये एको ही खेत दे विचो दो तरह के बीज आए। खेत किन्ने आ? एको ही खेत जो दो तरह के बीज उगे ते नौकर दौड़े दौड़े आए और आके मालिक नूं कहा, मालिक स्वामी जी तू अपने खेत चंगा बीज नहीं बीजिया। उन्हें क्या चंगा बीज बीजा की होया? लिखिया बाइबल वो कहते कि जे चंगा बीज बीजा तो जंगली बूटी कितों आ गई? उसे खेत के अंदर जंगली बूटी ये कितों आई? उन्हें की जवाब देता पता? उन्हें क्या वैरी का काम उसे ही खेत में। उन्हें क्या अच्छा जे वैरी का काम है तो तू असी जाने जाके जिहड़ी जंगली बूटी आ जिहड़ी कंडियाली आ जिहड़े कौड़े दाने आ अहीं उहनां नूं पुट के बाहर सुट दिंदे आ। उहने कहा सानूं इजाजत दे ते असीं टाइम सिर काम नबेड़ दिंदे आ, जांदे जाके कोई पुटदे आ उहनूं और बाहर सुट दिंदे। उहने की कहा? उहने कहा ना इदां ना करियो कि ते तुसीं जंगली बूटी नूं पुटदे आ, कणक ना किते खराब हो जाए पुट हो जाए। ਬਗਾਨ ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਪੁੱਟਦੇ ਆ ਕਣਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਟ ਹੋ ਜਾਓ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਲਪੇਟਣ, ਜੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਪੇਟ ਪਈਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਰਹੇ, ਖੇਤ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 6 ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਮੱਤੀ 5:45-50 ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਭਲਿਆਂ ਤੇ ਬੁਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਂਦਾ ਆ ਔਰ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੀਂਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਤਮਾ ਵਰਸਾਉਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੇਨ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੋਖਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਜ, ਕਾਇਨ ਹਾਬਲ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਕੁੱਖ ਹਵਾ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਾਇਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਨਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਇਨ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ 5 'ਚ ਅਬਰਾ ਆਦਮ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਇਨ ਆਦਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਇਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸੱਪ, ਉਹ ਸੱਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ? ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੇ ਦਾਣੇ ਬੀਜ 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 ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹ ਬੀਜ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੈਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ? ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ। ਬਾਈਬਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੱਪ ਦੀ ਵੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਨਬੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੱਪ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੱਪ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਫਟਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੱਪ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਟਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਫੜ ਕੇ ਉਲਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਇਹ ਆ ਸੱਪ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ? ਵਚਨ
उन्हें क्या रुख नदे फलां भाषा तो नहीं उन्हें क्या रुख नदे फलां फल की होंगे काम हमें बंदा अपने कमां तो प्रकट हों हालेलुया ते चंगा बीज बीजन वाला मनुख का पुत्र है बुरा बीज बीजन वाला शैतान है आमेन सो एको खेत दे विचो दो तरह की फसल आ रही है और एक फसल आ रही है कई कौड़ेदारी कंडियाली और दूजी फसल आ रही है कणक और क्या दोहां नूं रले मिले वतन दियो यो कह रहे एको खेत च दोनों नूं रले मिले वतन दियो एको मीह पै लैण दियो एको आत्मा आ लैण दियो एको भाषा बोल लैण दियो ताड़ियां बजा लैण दियो पर उन्हें क्या अंत के दिन च मैं पहला पहला जंगली बूटी दियां पूलियां बनागा और जो मैं पूलियां बनागा जो पूले बन होंगे जो परियां बन होंगे इन्हां परियां का नाम होगा रोमन कैथलिक मैथोडिस्ट बैप्टिस्ट प्रेसबाइटेरियन जीसस ओनली ये की है ये ग्रुप बच्चे के पहला नहीं बच्चे लाड़ी पहला उन्हें क्या बनूंगा भी पहला उन्हें क्या लाड़ी चौके रह जाऊंगा नहीं पहला उन्हें क्या परियां बनूंगा मेरे बबरा नाम ने क्या सी संस्था क्यों नहीं है तो बबरा नाम ने प्रचार किया इस युग ने नबी ने और इस संस्थागत धर्म के विरुद्ध क्यों आ उनका संस्थावां परमेश्वर के प्रोग्राम च नहीं आ संस्थावां शैतान का काम है लेकिन उन्होंने कहा परमेश्वर संस्थावां तो बाहर काम करता है परमेश्वर संस्था नहीं है परमेश्वर डिनोमिनेशन नहीं है हालेलुया लेकिन एको खेत में दो तरह का बीज बिल्कुल उस तरह जिस तरह एको कुख चो दो चुड़मा बच्चे निकल रहे हैं और एक है कायन और दूसरा हाबल है शैतान का बच्चा और परमेश्वर का बच्चा कुख एको पर ब्राणा ने कहा चर्च की कुख च सदा जुड़मा पैदा इतने जेड़े अस बैठे की है नबी ने कहा चर्च की कुख है चर्च की है कुख है नबी ने कहा इस सदा ही उन्हें कहा जुड़मा बच्चे पैदा होने एक ये विच ही तो बैरी होने हैं ये ही तो मित्र हैं ये ही परमेश्वर का परिवार है ये ही शैतान का है जिथे एको खेत में बंद इन्ने गूढ़े कि जड़ा जुड़ गया है एक नु खिंचा दूजा खिंचवाया इसलिए बाइबल च लिखिया दोनों आत्मावां झूठा आत्मा सच्चा आत्मा इन्ना नेड़े होणगे इन्ना समान तक होणगे 99.9% हो सकता चुने हुए भी भुलावे च पै जांदे जे हो सकता हो नहीं सकता क्योंकि वचन कदे फेल नहीं होंदा मैंने कहा यह नहीं हो सकता पर जे हो सकता होंदा चुने हुए भी भुलेखे च पै जाने क्योंकि सच झूठ इन्ना नेड़े है हरेक संस्था दावा करती असीं सच हां असीं सच हां असीं सच हां लेकिन बाइबल कहती है हरेक मनुख का लफ झूठा पर मेरा वचन सच्चा ठहरे तेरे वचन सच्चा है अपने आप को वचन नाल परखो अपने आप को वचन की लाइन च लियाओ अपने आप को वचन दे विच तोल लिए अपनी जिंदगी नु अपने कमां नु अपने रवैये नु और हर एक चीज नु हालेलुया एको चर्च च दो तरह के लोग और नबी ने कहा चर्च की कुख च सदा जुड़वा बच्चे होंदे आ उन्हें क्या हरेक बेदारी जुड़मा बच्चों पैदा कर दी है हरेक प्रचार जुड़मा बच्चों पैदा करता है और एक आनंद करता हारे रेलिया नारे मारता और कहता मेरे च सुधार आ गया मैं काम छड़ दूंगा और जो भाई ने क्या संपूर्ण साथिया और मैं आज्ञाकारी चलूंगा और एक उठता है ये सारा मेरे से खींचा मेरा काम ही यही है एक बंदे ने निशाना बना के प्रचार कर दे दो करोड़ बीज ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆ ਵਚਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਇਹਦੇ ਸਾਥਦਾਰ ਹੋ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਚਨ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਨਾਹਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾ ਦੂਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਨਾਹਕਾਰੀ ਆਮੇਨ